from a point P, tangents are drawn to ellipse, okay? X square upon A square plus Y square upon B square equals 1. If chord of contact is normal to the ellipse, then find locus of P. Chord of contact he normal hai. तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास इलिप्स है, चल क्या रहा है, ध्यान से समझिए, ये यहाँ पे कहीं पे नॉर्मल है, लाइक COC ही नॉर्मल है. देन फाइंड द लोकस ऑफ पी, पी का लोकस निकालना है जिसके लिए COC क्या बन जाए, नॉर्मल बन जाए. तो कैसे किया जाए, तो नाउ फोकस करिए कि मैंने इस पॉइंट पे नॉर्मल ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. इस पे एक वेरिएबल पॉइंट माना, ये कि ए कॉस थीटा बी साइन थीटा वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. ये क्यों माना, क्योंकि इस पे स्टैंडर्ड नॉर्मल की इक्वेशन जनरली स्टूडेंट्स को याद होती है और वो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, आप लोग डेवलप भी कर सकते हैं. ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा, याद भी रखनी चाहिए ये, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे. अगर ये लाइन वही है जो इस पॉइंट की पी एच कॉमा की सी ओ सी है, तो सी ओ सी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू जीरो. एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होगा, एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, समझे. तो ये दोनों लाइन सेम है, तो मुझे एच कॉमा के का लोकस निकालना है, तो कंपेयर द कोएफिशिएंट एंड एलिमिनेट द थीटा. तो अगर मैं कंपेयर करके एलिमिनेट करूँगा तो मेरे पास इजीली इक्वेशन आ जाएगी. तो ध्यान से देखिए, कंपेयर अगर हम करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, एक्स एच तो एच अपॉन ए स्क्वायर आएगा, अपॉन में क्या आएगा, एच अपॉन अपॉन में क्या आएगा, ए अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, सही है. इक्वल्स टू कितना आएगा, के अपॉन बी स्क्वायर आएगा और अपॉन में क्या आएगा, बी अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, सही है. माइनस का और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है. तो यहां से देखो, ये कॉस थीटा की मेरे पास वैल्यू कितनी आई, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर जा रहा है, कॉस थीटा क्यू आ रहा है, कॉस ए क्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए क्यू, सही है, अपॉन एच, ओके. और इसको मैंने फर्स्ट को इससे इक्वेट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है. कॉस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई, ध्यान से समझिए, साइन थीटा की वैल्यू माइनस आई है, बी क्यू आई है और अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में के आ रहा है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है. तो लोकस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम लाइन को मैंने दो तरीके से लिख दिया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो और एच की जगह एक्स और के की जगह वाई लिखेंगे, तो लोकस मेरे पास आ चुका है. तो वन इक्वल्स टू, इसको वन आएगा तो मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और दोनों प्लस वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन किसका आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल्स टू ए रेस टू सिक्स प्लस बी रेस टू सिक्स. ये मेरे पास सिंपल ही लोकस आ जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है और मुझे लगता है ये समझ में आ चुका है. यहाँ से कॉस थीटा ये आएगा, तो अगर मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हुआ है, ध्यान से देखिए कि अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो कैसे एलिमिनेट होगा, उसको थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा को मुझे एलिमिनेट करना है, तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ये मेरे को. कॉस थीटा, कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा इक्वल्स टू वन, तो ये मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए, लोकस में क्या आएगा, ये ए की पावर सिक्स आएगा, अपॉन ए की पावर सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी की पावर सिक्स अपॉन वाई स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. इसमें ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा. वो थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था,
यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अगर मैं थीटा को एलिमिनेट करूंगा तो इजीली मेरे पास ये लोकस आ जाएगा और एच की जगह एक्स और के की जगह वाई लिखूंगा। तो सिंपल प्रॉब्लम थी, एक ही लाइन थी जो कि सीओसी भी है एक पॉइंट की और एलिप्स के लिए नॉर्मल भी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड पॉइंट के लिए आपको याद होनी चाहिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मीनिंग मालूम होना चाहिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन सेम होनी चाहिए और दो इक्वेशंस अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं तो उन्हें कैसे डील करते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके okay?